Hello everyone, I welcome all of you to the video series lecture on plastic engineering. Our video series lecture majorly focused on plastic materials, its processing method and automation. Further, hum waste recycling ke baare mein bhi baat karenge. So in this lecture, we are going to discuss about the plastics and in application in automobile parts. But ye video aage janne se pehle hum dekhte hain ki need kyun hai plastic ki ऑटोमोबाइल के अंदर. सो एज वी नो दैट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज नाउ एमिड अ रिवोल्यूशनरी चेंज. द डिमांड ऑफ द मोटर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आर एवर चैलेंजिंग बिकॉज जो मोटरिस्ट है दे वॉन्ट हाई परफॉर्मेंस कार बट एट द सेम टाइम दे आर लुकिंग फॉर इम्प्रूवड रिलायबिलिटी, सेफ्टी, ग्रेटर कम्फर्ट एंड फ्यूल एफिशियंसी. उनको स्टाइल भी चाहिए, कम्पिटिविटी प्राइस भी चाहिए और एनवायरमेंटल को नुकसान भी नहीं पहुँचाना. बट जब भी मैं प्लास्टिक की बात करता हूँ तो उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रूर कहता हूँ मैं. इन द 18th century द स्पॉट विच इज़ कॉल्ड बीडीएल, उसके जो बॉल्स थे जो नेचुरल आइवरी के बनते थे उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी. बट उस टाइम प्लास्टिक नहीं था तो जो बिलियर्ड बॉल्स थे वो हाथी को मार के उनके दांतों से बनाए जाते थे. सो एट दैट टाइम देर आर ऑल्सो पीपल हु हैव अ लिटिल बिट हार्ट, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका सिमिलर टाइप ऑफ मटीरियल बनाया जाए. तो उन्होंने $10,000 का रिवॉर्ड्स रखा कि जो भी अल्टरनेट मटेरियल, सो हियात ब्रदर्स मेल अ सेल्यूलॉइड, सेल्यूलॉइड मीन्स सेल्यूलोज नाइट्रेट, उन्हीं के वो बॉल बनाए. बट फिर उनको पता चलता है कि जब वो खेल रहे थे तो कई बार वो ब्लू हो जाता है, यानी एक्सप्लोजिव है वो. एंड द बेल्जियन साइंटिस्ट लियो हेनरिक बेकलैंड यूज द वर्ड प्लास्टिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1907 व्हेन ही केम अप विद 100% सिंथेटिक प्लास्टिक सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड बैकेलाइट. बट ये प्लास्टिक वर्ड आया कहाँ से? तो ये जो प्लास्टिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से आया है, जिसका मतलब होता है कि इजिली मोल्डेड बाई द हीट. बट वो स्ट्रॉन्ग थे, लाइट वेट थे, वर्सेटाइल थे और फ्लेक्सीबल, अलाउइंग द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डिजाइन फ्रीडम. सो इसीलिए वो यूज हो रहे हैं. सो फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू प्रोस्टेटिक द यूसेज ऑफ प्लास्टिक इज ग्रोइंग विद एवरी पासिंग डे. तो आप देख सकते हो किस तरह से प्लास्टिक्स बढ़ रहा है उसकी यूसेज. लाइक मेटल प्लास्टिक भी काफ़ी सारी मिस कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और इलास्टोमर. अरे यार सॉरी मैं भूल गया, बट हाँ प्लास्टिक की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बात कर रहे थे. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, वो प्लास्टिक के थर्ड मोस्ट सेक्टर है कंज्यूमिंग करने में. पैकेजिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करता है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल तो आप देखेंगे कि बम्पर, फर्दर ये लाइटनिंग सिस्टम, तो वो सारी प्लास्टिक से बनी हुई है. फिर अगर हम बैक साइड में जाते हैं सो हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ लिफ्ट गेट are also made from the plastic and the rear bumper are also made from plastics. Even you also feel amazed that this chrome plated plastics, it's metal like look but it's also plastics. So when you are inside a vehicle you can feel comfort, harsh, because of this foam sheet, it's also plastic. Phir hum dekhte hain ए पिलर और बी पिलर के कवर जो ऑल्सो प्लास्टिक है, डोर ट्रिम हमारे दरवाजे पर लगी हुई, इवन डैशबोर्ड, गियरिंग नॉब, स्टीयरिंग ग्रिप, जो ट्रांसपेरेंट कवर लगे हुए हैं इंडिकेटर्स पे, वो सारे प्लास्टिक है. थोड़ा और आगे हम जाएंगे तो लाइटिंग सिस्टम और सनरूफ का जो कैसिंग है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है. प्लास्टिक आर ऑल्सो परफॉर्मिंग ग्रेट एंड सेटिस्फैक्टरी इन अंडर द हुड पार्ट वेयर द कंडीशन आर हेल्थ एंड डायनेमिक. Where plastic has to work in the very high heat, friction and fluids. तो आप देख सकते हैं कि engine cover, air intake manifold और containers जहाँ oil use किया गया है या coolant भरा गया है, वो सारी चीज़ें plastic से बनी हुई है. तो आज आपने देखा कि plastics का origin कहाँ से हुआ, थोड़ा आपने ये भी देखा कि plastic automobile के अंदर कहाँ use हो रहा है. हमारे अगले वीडियो में आप जानेंगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड के बारे में. थैंक यू.